फाइनली आई गए मुन्ना भैया के फैंस के लिए मुन्ना भैया की न्यू वेब सीरीज का ट्रेलर। क्या गाइस, मैं बात कर रहा हूँ द रेबलेट मैन ऑफिशियल ट्रेलर के बारे में। आज ही रिलीज हुआ है ये वेब सीरीज का ट्रेलर। एंड इसके वेब सीरीज के कास्ट के बारे में बात करें तो आप लोग देख ही सकते हो आर माधवन यानी थ्री इडियट्स के फरहान, और फर्जी के विलन यानी के मेनन, बाबिल खान, देवेंद्र यानी शर्मा, मतलब कि मुन्ना भैया को कैसे बोल सकते हो आप लोग। वेब सीरीज एक सच्ची घटना यानी रियल स्टोरी पर बेस्ड है। या गाइस, 1984 में भोपाल में हुए इंसिडेंट की जैसे लगभग 3,800 पीपल की डेथ हो जाती है। एंड इसी पर जो ये स्टोरी बेस्ड है। ट्रेलर की बात करें तो ट्रेलर में दिखाया जाता है कि एक जहरीली गैस है जो रेलवे स्टेशन पर लीक हो जाती है जिसका कोई इलाज नहीं है। ऐसे में दिखाया गया कि हमारे मुन्ना भैया और थ्री कास्टिंग कैसे बचाएगी लोगों को जहरीली गैस से। वेब सीरीज की कास्टिंग और डायलॉग बाकी कमाल के हैं, जहाँ पर डायलॉग में बोला जाता है, सच तो ये है हम न जान लेने वालों को सजा देते हैं और न जान बचाने वालों को, शाबाशी। गजब के डायलॉग है इस वेब सीरीज के। डायलॉग ही नहीं, इस वेब सीरीज की ट्यूनिंग यानी बीजीएम की बात करें तो कमाल की बीजीएम है इस वेब सीरीज में। इस वेब सीरीज के अंदर आपको टोटल 4 एपिसोड देखने को मिलेंगे। एंड डायरेक्टर ने इस वेब सीरीज में कोई सीजन का लफड़ा ही नहीं रखा, जो भी है इन 4 एपिसोड में ही है। ओवरऑल वेब सीरीज बहुत ही तगड़ी होने वाली है एंड मैं तो एक्साइटेड हूँ इस वेब सीरीज को देखने के लिए। एंड आप भी हो एक्साइटेड या नहीं हो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड ऐसे रिव्यू के लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। जी हाँ गाइस, सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। तो बाय बाय, मिलते किसी नेक्स्ट शुरू में नेक्स्ट रिव्यू के साथ।